बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग थोड़ा बस कर दें। एनविटी कंप्लीट करके गए थे। एनविटी की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वहाँ पर हमने कहा था इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। तीन कंडीशन थी, इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। एक टर्म हम और इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कॉल्ड परपेचुअटी। परपेचुअटी की टर्म निकली ही परपेचुअल से है। कभी आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा परपेचुअल मोशन, ठीक है ना। परपेचुअल का मतलब होता है फॉर एवर, दायमी, हमेशा के लिए, ठीक है ना, अप टू इन्फिनिटी। तो एनविटी की वो जो तीन कंडीशन थी ना, इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, उसे हम ऐसे लिख रहे थे जैसे ऑर्डिनरी एनविटी है ना, हम उसे कह रहे थे ऐसे लिखते थे। फर्ज किया 1 to 10 एनविटी ड्यू, फर्ज करें 0 to 9 एनविटी डेफर्ड, कहीं से शुरू होके फर्ज करें 12 to 25, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग लेवल जो था ये डिसाइड कर रहा था टाइप ऑफ एनविटी। इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इट इज ऑर्डिनरी एनविटी, इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अदर देन 0 and 1 डेफिनेट एनविटी, ठीक है ना। अगर इन्हीं एनविटीज को हम ऐसे लिखें, मैं कहूं यार ये स्टार्ट होगी 1 से लेकिन फिर हमेशा चलेगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। ये स्टार्ट होगी 0 से लेकिन फिर हमेशा चलेगी। ये स्टार्ट होगी 12 से लेकिन फिर हमेशा चलेगी। इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, इन्फिनिट टाइम। तीसरा पॉइंट चेंज हो गया, इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, इन्फिनाइट टाइम, ठीक है ना, फॉर एवर, देन इट इज कॉल्ड परपेचुअटी। इसको एनविटी बोल रहे थे लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब है जैसे एनविटी की तीन टाइप बनाई थी, ऑर्डिनरी, ड्यू, डेफर्ड, ऐसे ही परपेचुअटी की भी तीन ही टाइप बन गई, ऑर्डिनरी, ड्यू, डेफर्ड, ठीक है ना। अब परपेचुअटी इज एन एनविटी इन विच इक्वल पीरियोडिक पेमेंट बिगेन ऑन अ फिक्स डेट एंड कंटिन्यू इनडेफिनेटली, लेकिन फॉर एवर। कंटिन्यूड इनडेफिनेटली का मतलब है अब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, कंटिन्यूड इनडेफिनेटली। आ जाओ बेटा, आ जाओ। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुअटी, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू तो किसे कह रहे थे हम, वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड इन विच द लास्ट रेंटल, इसका तो लास्ट रेंटल है ही नहीं, ये तो फॉर एवर है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुअटी, हाउएवर वी कैन कैलकुलेट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकल सकती है फ्यूचर, जैसे APGP सीरीज में पढ़ा था ना हमने कि अगर GP सीरीज हो तो हम उसका सम निकाल सकते हैं, फाइनाइट नंबर का सम निकाल सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट का नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर डिसेंडिंग एनविटी हो, अगर डिसेंडिंग सीरीज हो तो फिर निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम परपेचुअटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल सकते। ऑर्डिनरी परपेचुअटी, परपेचुअटी ड्यू, परपेचुअटी डेफर्ड, ऑर्डिनरी परपेचुअटी, परपेचुअटी ड्यू, डेफर्ड परपेचुअटी, ठीक है ना। अच्छा जी, जैसे वही यहां से शुरू हुई और फिर कहां तक चली गई, इन्फिनिटी तक चली गई। अच्छा जी, नाउ अब हमने प्रेजेंट वैल्यू अगर हम देखें, प्रेजेंट वैल्यू अगर हम देखें तो कैसे निकाल रहे थे, किसी भी एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकल रही थी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस वन प्लस आर पी रेस टू पावर माइनस एन ओवर
ठीक है ना। आप जरा गौर करें, इसका मतलब डिवीजन है, माइनस एन का मतलब डिवीजन है, और एन क्या है, इन्फिनिटी है। इसका मतलब है जब हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पीछे क्या बचा, आर ओवर, सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर ओवर आर पी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनविटी इज आर ओवर, अब आर की जगह ना यहाँ क्योंकि परपेचुअटी बोल रहे हैं ना, तो बार दफ़ा किताबें पी लिख देती हैं, आर लिख दें, पी लिख दें, पी मीन्स वही रेंटल ही है। डन। अब सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, सिर्फ एक चेंज आ रही है, क्या, इन्फिनिटी। When we assume that perpetuity is, ये वही वाली तीन assumption लिखी हुई हैं जो पहले हम जब ordinary annuity का लिख रहे थे तो हमने कहा था ordinary annuity तीन वजह से ordinary हो सकती है। पहली बात, if it is clearly stated that first rental start at the end of period, जैसे राजा invested 2000 at the end of every year in perpetuity, indefinite time. स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ईयर वन इन टू एन इन्वेस्टमेंट फंड, यानी राजा ने 2000 रुपया हर साल देने शुरू किए लेकिन हमेशा के लिए। दूसरा, इफ इट इज स्टेटेड दैट रेंटल आर पेड एट द एंड ऑफ, नथिंग इज मैंशन अबाउट द फर्स्ट। ये ऑर्डिनरी एनविटी की सारी बातें लिखी हुई हैं। राजा इन्वेस्टेड 2000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इन परपेचुअटी इन टू एन इन्वेस्टमेंट, इफ नथिंग इज स्टेटेड अबाउट द टाइमिंग ऑफ रेंटल। डन होगी बात। व्हेन वी अज्यूम दैट परपेचुअटी इज परपेचुअटी ड्यू, ये वही वाली दो अजम्पशन यहां लिखी हुई है। अब फार्मूलाज आ गए, हमने तीनों के फार्मूला को अपडेट कर लिया। ऑर्डिनरी का क्या बन गया, पी ओवर आर पी, ड्यू में रेड फैक्टर एड हो गया और डेफर्ड में वो डेफर्ड वाला डी वाला फैक्टर ऐड हो गया। पहले भी यही ऐड हो रहे थे, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज वही सब कुछ है, सिर्फ एक बात ऐड हुई है। अब उस बात के ऐड होने से फर्क क्या पड़ा, आपको याद है हम प्रेजेंट वैल्यू सीख आए हैं कि प्रेजेंट वैल्यू के और क्या मीनिंग है, परचेज प्राइस, अमाउंट इन्वेस्टेड टूडे, फुला, इस तरह की बातें सीख आए हैं ना। ज़रा देखिए, अ कॉलेज वॉन्ट टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ परपेचुअल स्कॉलरशिप ऑफ रुपीज 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी 3, हाउ लार्ज शुड इट्स एंडोवमेंट फंड बी इफ मनी इज ग्रोइंग एट 8% कंपाउंडेड। अब ज़रा गौर करें, पहले ना परपेचुअटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम कोई खैर का काम करना चाह रहे हैं, कोई नेक काम करना चाह रहे हैं, कोई शख्स चाह रहा है यार मैं ना इतने लोगों को रोज़ाना खाना खिला दिया करूं, इतने बच्चों को स्कॉलरशिप दे दिया करूं, इतने मरीजों को दवाई फ्री दे दिया करूं। एक तरीका है कि जब अल्लाह ने मुझे वसाइल दी हो तो मैं ये काम कर रहा हूं, लेकिन ये काम कब तक चलेगा, मेरी ज़िंदगी तक चलेगा या जब तक अल्लाह मुझे हिदायत दिए रखेगा। हो सकता है ज़िंदगी में भी मैं कुछ अरसे के बाद सोचूं यार मैं क्यों कर रहा हूं, छोड़ो परे। ये क्या कि नहीं मैं चाह रहा हूँ या नहीं, मैं हूँ या ना हूँ, ये काम चलता रहे। मैंने एक खैर का काम शुरू किया है, अब ये हमेशा चलता रहे। इसके तरीके के लिए एक टर्म यहाँ इस्तेमाल हुई है, एंडोवमेंट फंड। एंडोवमेंट फंड का मतलब होता है कि आप एक पैसा निकाल के अलग कर दें, कहीं इन्वेस्ट कर दें, और फिर उस पैसे से जो रिटर्न आए उससे वो प्रोजेक्ट चले, और ये पैसा मैं उठा के वक्फ कर दूँ, मेरे डिसीजन से भी आउट हो जाए। अब ये काम खैर का कब तक चलेगा, जब तक दुनिया कायम है। इस फंड को क्या कहते हैं, एंडोवमेंट फंड। एंडोवमेंट फंड का भी मतलब यही हुआ, आज कितने पैसे लगा दूं, आज कितने पैसे लगा दूं, ताकि ये काम चलता रहे। यार मतलब मलक रियाज साहब सोचते हैं कि यार मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं उसमें फ्री इलाज होता रहे। एक तो है कि जब तक बैरिया टाउन चल रहा है, इनकम कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे चलाएं। ये क्या कि नहीं नहीं हम सोचें यार नहीं, ये खैर का काम है, ये हमेशा चलना है। हम एक इतना पैसा उठा के अलग कहीं रखते हैं, इसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं,
वहाँ से जो रिटर्न आएगा उससे ही हॉस्पिटल चलता जाए, पैसा आज ही लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड। यही वो कह रहा है कि एक आदमी एक खैर का काम करना चाह रहा है कि हर 3 महीने के बाद 10,000 रुपया एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती जाए। अभी एक बच्चा पढ़ रहा होगा, फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, वो क्या कहता है यार एक सीट मुझे दे दो उसकी फीस या उसको मैं स्कॉलरशिप दूंगा। वो कहता है कितने पैसे उठा के इन्वेस्ट कर दे कि ताकि ये काम खैर का हमेशा होता रहे। इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, हाउ मच अमाउंट वी शुड इन्वेस्ट टूडे टू अर्न अ फ्यूचर वैल्यू, कि 10,000 हमेशा आता जाए। बात समझ आ रही? अब देखना यह कि काम शुरू कब करना है, यहां करना है, यहां करना है या यहां करना है। अजम्पशंस जरा गौर करें, पहला रेंटल कब देना है? एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ। दूसरे वाली अजम्पशन, जब एंड लिखा हो और टाइम स्पेसिफाइड ना हो तो हम ऑर्डिनरी अज्यूम करते हैं, यही मतलब हुआ ना। तो ऑर्डिनरी एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है? R ओवर आर पी या P ओवर आर पी। आर कितना है? 10,000। आर पी पीरियोडिक रेट, 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 8/4 पीरियोडिक रेट यूज होना है ना, इसका मतलब है 2%। क्या आंसर आ गया? 5 लाख। वो कहता है भाई 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दो, क्यामत तक आपका ये फंड चलता रहेगा। अब जरा सोचें कैसे चलता रहेगा। भाई ऐसे चलता रहेगा कि जब मैं 5 लाख रुपया किसी बैंक में दे रहा हूँ या किसी जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो मुझे क्या कह रहे हैं, 2% रिटर्न देंगे हर क्वार्टर का। इसका 2% लिया तो 10,000 आ गया। ये हम उस बच्चे को स्कॉलरशिप दे देंगे, अगले क्वार्टर फिर 10,000 आएगा, फिर उसको दे देंगे। अब क्योंकि ये पैसा तो हमने वक्फ कर दिया हमेशा के लिए, तो हमेशा ही पैसे आते जाएंगे, हमेशा ही जाता जाएगा, तो क्या बन गई? परपेचुटी बन गई। ये जो अमाउंट है इसको क्या कहते हैं? एंडोमेंट फंड, ठीक है ना। अब कोई हॉस्पिटल चलाना है, कोई इदारा चलाना है, जो खैर का काम करना है, कैलकुलेट कर लें भाई कितने पैसे चाहिए। इतना पैसा इन्वेस्ट कर दे कि उसका रिटर्न उतना आना शुरू हो जाए, बस आपको जिंदगी में एक दफा पैसा लगाना पड़ेगा, यहां से ये खैर का काम चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब यहाँ कहीं एक जहन में बात आएगी कि सर हम खुद सूद कमा रहे हैं, उसको उठा के इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ा खैर का काम हो रहा है, कहीं ये भी जहन में आएगी ना बात। आपको मैंने मना किया था कि जब तक फाइनेंस पढ़ रहे हैं जब तक ये वाली बात नहीं सोच, ठीक है ना। और इसका जवाब हल्का सा इशारों किनारों में ये दिया था कि नहीं, कोई भी काम करने के दो मेथड अवेलेबल हैं, एक अल्लाह के अहकामात के मुताबिक और एक अल्लाह के अहकामात तोड़ के। जो अहकामात तोड़ के कर रहे होंगे वो हराम हो जाएगा, और जो अल्लाह के अहकामात को पूरा करके कर रहे होंगे काम सेम हो रहा होगा, बिल्कुल 100% नेक टू नेक सेम काम होता नजर आएगा, एक हलाल होगा एक हराम। जैसे एक शख्स को ना गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी की कीमत है 75 लाख रुपया, ठीक है। वो कन्वेंशनल बैंक में गया, उसने कहा मुझे 75 लाख रुपया लोन दो, मैंने गाड़ी खरीदनी है, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है? उसने कहा जी ये इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। बैंक ने इसे लोन दिया, कितना? 7.5 मिलियन। और इसने फर्ज किया 10 मिलियन यानी 1 करोड़ वापस करना है, 25 लाख रुपया इस पर इंटरेस्ट बन जाएगा, जितने अरसे की इसने 3 साल की किस्तें कराई हैं फर्ज कर ले। इसने क्या लिया? लोन लिया। कहाँ से लिया? कन्वेंशनल बैंक से, यानी इस्लामिक से नहीं लिया, दूसरों के लिए हम जरा डिल्यूट करके लफ्ज बोल रहे हैं कन्वेंशनल बैंक, ठीक। हराम हो गई ट्रांजेक्शन, जाहिर है ये सूद है, 100% हराम है। यही बंदा, इसे किसी ने बताया, इसने कहा नहीं नहीं यार मैंने सूद तो नहीं लेना, ये इस्लामिक बैंक में चला गया। इस्लामिक बैंक वाले ने इसे कहा भाई क्यों पैसे चाहिए? उसने कहा यार गाड़ी लेनी है।
देखो यार, हम तो पैसे नहीं देते गाड़ी के लिए, एक काम कर सकते हैं, तुम्हें गाड़ी खरीद के दे देते हैं। अब उन्होंने 75 लाख देने की बजाय एग्जैक्टली वही गाड़ी खरीद कर इसको दे दी। और इन्होंने कहा यार इस गाड़ी के आप हमें जो है ना किस्तों में 3 साल में 1 करोड़ रुपया पे करोगे। ठीक, दोनों सूरतों में कितने पैसे पे हुए हैं? 3 सालों में 1 करोड़। लेकिन उधर वाली ट्रांजैक्शन हलाल है, इधर वाली ट्रांजैक्शन, बात समझ आई? सेम ट्रांजैक्शन हलाल भी हो सकती है, हराम भी हो सकती है। जैसे सेम एनिमल है, गाय है, उसे इस्लाम के मुताबिक ज़िबा कर लें तो उसका गोश्त, और गोली मार के ज़िबा कर लें। वो जो नए स्लॉटर हाउस आ गए हैं जहाँ करंट से किसी और चीज़ से ज़िबा कर रहे हैं, तो हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो हराम हो गई चीज़। गाय तो वही है, गोश्त तो उतना ही निकलेगा, सारा कुछ तो सेम है। तो इस धोखे में नहीं आ जाना। ये जो बाज़ लोग कहते हैं ना कि यार इधर भी है इधर भी है, ये तो फजूल का तमाशा है। नहीं, तमाशा नहीं है, ये इस्लाम के असूलों के मुताबिक है, और ये इस्लाम के असूलों के मुताबिक। तो जब आपने कोई खैर का काम करना होगा, सूद से बचना होगा, तो वहाँ हल ढूंढ लेंगे कि खैर का काम कैसे होगा। जैसे कोई बहुत ज़्यादा ना पुरानी बात ना करें, सऊदी अरब, मतलब अभी 1925-26 तक जो सऊदी अरब था, अभी हमारे यहाँ पार्टीशन भी नहीं हुई थी, ज़ाहिर हम 1947 में आज़ाद हुए, तो 1925-26 तक सऊदी अरब का आलम यह था कि अगर कोई इंडिया पाकिस्तान जब इकट्ठे ही थे, यहाँ से कोई हज पे जाता था तो लोग उसको ना मिलने जाते थे, एक तो वैसे ही कि भाई बड़ी नेक जगह जा रहा है, साथ उसको ना कोई अपना सदका, खैरात, ज़कात, चैरिटी के पैसे देते थे कि यार ये वहाँ खर्च कर देना, वहाँ बहुत गुर्बत है सऊदी अरब में। फिर वहाँ ये जो नए हुक्मरान, जो आले सऊद आजकल हुक्मरान हैं, इनकी हुकूमत आ गई, इन्होंने ये एक किस्म के उस वक़्त के एक तहरीक इन्होंने चलाई, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने हुकूमत, वो बनू मैया की हुकूमत ख़त्म हुई और ये वाली हुकूमत आले सऊद की हुकूमत आ गई। लेकिन ये थोड़े से ना इस्लामिक वो तालिबान स्टाइल की हुकूमत बना रहे थे, जहाँ हुकूमत इनका जद्दा में हो गई, इधर हो गई, जहाँ हुकूमत कायम करते थे वहाँ इस्लामिक सज़ाएँ नाफिज़ कर देते थे, सारा कुछ कर देते थे। ऐसे चलते चलते 1926 आ गया, 1926 में मदीना मुनव्वरा भी इनके कंट्रोल में आ गया। तब कई सारे ना बड़े इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं यहाँ पे। एक तो इन्होंने जो वहाँ इससे पहली हुकूमत थी वो ज़रा, जैसे हमारे यहाँ, मैं किसी मसलक के अतबार से गुफ्तगू नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए एक बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ बरेलवी हज़रात का मसलक है ना, ऐसा मसलक था जो बड़े बड़े सहाबा कराम थे, उनके मज़ारात बने हुए थे, निशानियाँ मौजूद थी, सारा कुछ मौजूद था। इनकी हुकूमत आई तो ये ज़रा वो अहले हदीस टाइप का मसलक था इनका, इन्होंने वो मज़ारात मिसमार करने शुरू कर दिए, निशानी ख़त्म करनी शुरू कर दी कि मज़ार बनाना जायज़ नहीं है। हत्ता के मज़ार ख़त्म करते 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 सारे मज़ारात ख़त्म हो गए, सारे निशान ख़त्म हो गए। एक दिन बादशाह साहब ने ऐलान कर दिया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है ना, इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। अब ये हिस्टोरिकल एक फैक्ट है। तो उम्मत के अंदर तो एकदम से बड़ी इस्तराब पैदा हो गया, बड़ा जनाब इहतजाज शुरू हो गए। उन्हें थोड़ा सा ख्याल आया कि ये सारे उम्मत मुस्लिमा हमारे ख़िलाफ़ हो गई है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो उन्होंने ना एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली, सारे बड़े बड़े जैद उलमा उसमें आ गए। उन्होंने कहा चलो यार ये सब मिलके कंसेंसस डेवलप करें। अब उसके अंदर हर मसलक ने अपनी अपनी एतबार से गुफ्तगू की। पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा ही था, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब थे, एक बहुत बड़े आलम दीन थे, यहाँ से वो पार्टी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो जब सबकी बारी आ गई, सब ने अपने अपने मजहबी दलाइल और लॉजिक, और ये मज़ार नहीं बनना चाहिए, अल्लाह के नबी की फ़लाँ हदीस है, फ़लाँ, ये सारे उन्होंने बयान कर दिया। अल्लाह का करना ये हुआ कि अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी की तकरीबन आखिरी तकरीर में से तकरीर थी, तो उन्होंने आके जब अपनी तकरीर का आगाज़ किया, उन्होंने कहा जी जो कुछ आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, अहदीस में यही लिखा हुआ है कि कब्र को मज़ार नहीं बनाना चाहिए, इसके ऊपर कोई तामीर नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही आप इसे गिरा भी देंगे, मिसमार भी कर देंगे तो
ठीक है शरण तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं। उन्होंने फिर बुखारी शरीफ की एक हदीस की तरफ रेफ़र किया, उन्होंने कहा एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ लाए, हज़रत आयशा साथ थी, तो आपने फरमाया कि तवाफ़ किया और वो जो हतीम की जगह बनी है ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अम्मा आयशा से फरमाया कि आयशा ये खाना काबा के अंदर का हिस्सा है जहाँ नफल पढ़ते हैं ना, वो अंदर जाके हतीम उस जगह को बोलते हैं। मेरा जी चाहता है कि हम काबे को मिसमार करके ये काबे के अंदर शामिल करते हैं और फिर खाना काबा के दो दरवाज़े लगाए, एक दाखिल होने के लिए और एक बाहर निकलने के लिए। अब ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अम्मा आयशा से, और ये बुखारी शरीफ की हदीस। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब ने ये हदीस पढ़ी और फिर इस हदीस के आखिर में अल्लाह के नबी ने फरमाया लेकिन आयशा अभी ये कौम नई नई ईमान लाई है, अगर हम बैतुल्लाह को गिराएंगे ना तो इसमें इस्तराब पैदा हो जाएगा, परेशानी आ जाएगी। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने ये हदीस पढ़ के कहा कि अल्लाह के नबी रुक गए अपनी मौजूदगी में खाना काबा को मिसमार करने से इस बात से कि उम्मत में इस्तराब पैदा हो जाएगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो? आपको नहीं उम्मत का इस्तराब नज़र आ रहा? बादशाह इस कॉन्फ्रेंस में खुद बैठा हुआ था, उसने एक लफ्ज़, उसने कहा इस हिंदी की सुनो, ये हिंदी क्या कह रहा है, हमें हिंदी बोलते हैं ना वहाँ पे, इस हिंदी की सुनो। और वहीं बैठ के बादशाह ने ऑर्डर किया कि नहीं, अल्लाह के नबी का रोज़ा कभी मिसमार नहीं किया जाएगा, क्या सारे हो गए हैं, ये ऐसे ही रहेगा, वो ऑर्डर कर दिया। ऐसे अल्लाह किसी बंदे से कोई काम ले लेता है। खैर अब ये हुकूमत आगे चल रही है, चल रही है, अब आ गया 1935-36 आ गया, दशक साल हो गए हुकूमत चलते हुए, सारे सऊदी अरब में इस्लामिक सज़ाएँ नाफिस हो गई हैं, और ये जो इनके जो पहले बादशाह थे ना, ये अभी तक उनके उन्हीं के भाइयों में ही हुकूमत चल रही है, अब आखिरी भाई है, अब बेटों में हुकूमत जाएगी। तो अब वो ना बैतुल्ला में मौर्रिख तारीख में लिखते हैं कि वो बैतुल्ला के पास बैठ जाया करते थे असर से मगरिब। अभी सफरी वसाइल तो ऐसे थे नहीं कि कोई रश हो, कोई ऐसा मामला हो। तो कहते हैं कि अल्लाह से दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह, यहाँ के जो लोग थे ना, ये तो हाजियों को लूट लिया करते थे, जो हाजी के पास जाहिर है वो सफ़र पे आया हुआ, पैसे हैं, मैंने चोरी की सज़ाएँ नाफिस कर दी हैं, इनका तो रोज़गार अब कोई नहीं है, और मैंने तेरा दीन नाफिस कर दिया, अब इनकी रोटी का इंतज़ाम कर, अल्लाह से बातें करते थे। 1938 में सऊदी अरब में से तेल निकल आया और दुनिया बदलना शुरू हो गई। वो सऊदी अरब जिसे यहाँ के लोग ज़कात और खैरात देते थे, अब वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात और खैरात भेज रहे होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हुक्मरान थे ना, इन्होंने वो दो एक्सट्रीम देखी हुई थी, इंतहा की गुर्बत का आलम सऊदी अरब का और फिर इंतहा के पैसे की रेल पेल। तो जब इन्हीं के एक भाई, दूसरे भाई शाह फैसल आए ना, अब शाह फैसल भी ये वही भाई थे जिन्होंने इंतहाई गुर्बत सऊदी अरब की देख रखी है और फिर इंतहाई इमारत देख रखी है, तो इन्हें एक ख्याल आया, मैं इसलिए ये सारी वाक्य आपको सुनना पड़ गया, इन्हें ख्याल आया कि यार ये जो तेल निकल रहा है कभी ख़त्म भी तो हो सकता है, आज हमारे पास इतना पैसा है, हमने हरमैन को स्टेट ऑफ द आर्ट एक जगह दुनिया की बनी हुई है ना, दुनिया की लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट एवरीथिंग, लेटेस्ट वहाँ लगी हुई है। उनके जहन में ख्याल पैदा हुआ कि अगर कल को तेल ख़त्म हो गया और सऊदी अरब गरीब हो गया तो फिर हरम कैसे चलेगा, आज तो हमारे पास पैसे अवेलेबल हैं। उन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े कंसल्टेंट हायर कर लिए कि बताओ क्या करें। उन कंसल्टेंट ने जो उन्हें रिपोर्ट दी, उन्होंने उन्हें समझाया कि आप क्या बना दें, आज हरमैन एंडोमेंट फंड से चलते हैं। अब बात फिर वही है कि फंड से सर हरम चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्ला, सूद के पैसे से चल रहा होगा, नहीं, पैसा अर्न करने के तो फिर वही दो तरीके, एक हलाल और एक हराम। उन्होंने इर्द गिर्द की जितनी बड़ी बड़ी कमर्शियल जगह हैं वो सब खरीद के हम के हरम के लिए वक्फ कर दी। आप ये देखें जो क्लॉक टावर है, ये सारा हरम की बिल्डिंग है, इसका सारी रेंटल इनकम सारा कुछ किसको आ रहा है, हरम को आ रहा है। हरम के इर्द गिर्द जितने बिजनेसेस हो रहे हैं ये सब वक्फ बिजनेसेस हैं, इन सब की इनकम कहाँ आ रही है, हरम को आ रही है, इन सब का रेंट कहाँ आ रहा है, हरम को आ रहा है।
एक ऐसा एंडोमेंट फंड बना दिया गया कि सऊदी अरब खुदा ना खास्ता कभी गरीब भी हो जाए तो हरम वहाँ से चलता रहेगा, ऑपरेशन वहाँ से चलता रहेगा। अब कब तक चलता रहेगा? परपेचुटी तक चलता रहेगा। तो परपेचुटी एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जब आपने कोई ऐसा मेगा बड़ा प्रोजेक्ट करना हो तो आप फाइनेंशियली कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा अच्छा यार ये कर दें तो फिर ये ऑटो पे चलता रहेगा, आइंदा सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। फिर आप बड़े बड़े लोगों को, मुखय्यर हज़रात को बीच में शामिल कर लेते हैं, वो आकर चीज़ें खरीद खरीद के वक्फ करते जाते हैं, वक्फ करते जाते हैं। या हुकूमत के पास ख़ुद इतना पैसा होता है तो कहते हैं यार अभी तो पैसा है, फ्यूचर की से डर रहे हैं ना, तो यार कोई बात नहीं अभी पैसा लगा देते हैं। एंडोमेंट फंड परपेचुटी में पैसा आता चला जाएगा। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, अ वेल्दी डोनर स्पॉन्सर एन एंडोमेंट फंड that provide a hospital with 5,000 at the beginning of every month in perpetuity. Beginning, perpetuity due. What is, वो कहते हैं बताएं कितने पैसे लगाने पड़ेंगे फंड में, 8% compounded, 8/12 करना पड़ेगा periodic rate निकालने के लिए। इसका मतलब है present value कैसे निकलेगी, कितने पैसे देने हर महीने, 5,000 तकसीम 8/12 यही निकलेगी ना, इंटू 1+RP इंटू 1+8/12। बात समझ आई है कि नहीं आई? 7,55,000 रुपये आज इन्वेस्ट कर दें तो क्यामत तक किसी एक पेशेंट को हर महीने 5,000 रुपया ये हॉस्पिटल स्पॉन्सर करता जाएगा। डन हो गई? अच्छा जी, ग्रीन्स प्लेट पब्लिशर इन्वेस्टेड अ लमसम अमाउंट इन अ फंड ग्रोइंग एट 6% कंपाउंडेड मंथली। इट प्लान टू विदड्रॉ 2,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द फंड with the first withdrawal in 2 years from deferred, आ गई 2 years from now, वही deferred का concept लग जाएगा, वही deferred का क्या लग जाएगा, factor लग जाएगा minus d वाला और present value निकल आ गया। तो कुछ नहीं add हुआ, कुछ नहीं add हुआ, वही तीन चीजें ordinary है तो P/RP, ड्यू है तो P/RP, और ड्यू का फैक्टर वहां भी लगा रहे थे, रेड फैक्टर इसे बोल रहे थे, और डेफर्ड है तो डेफर्ड का फैक्टर -D, और -D आपको पता था डी कैसे निकालते थे। डन हो गई बात? तो ये यहां पे आपको कुछ सवाल लिखे नजर आ जाएंगे। चलें एक कंप्रीहेंसिव सवाल कर लेते हैं ताकि दो तीन बातें समझ आ जाए। देखें जरा, नोबिता इन्वेस्टेड रुपीज 500,000 इन अ फंड दैट विल प्रोवाइड स्कॉलरशिप इन परपेचुटी। द फंड अर्न 12% कंपाउंडेड मंथली। व्हाट इज द मंथली स्कॉलरशिप अमाउंट? आपको पता ना, वेरिएंट क्वेश्चन। अब एंडोमेंट फंड की वैल्यू तो गिवन है 5,00,000। वो कहते हैं अगर 5,00,000 रुपया लगाएं तो बताइए हर महीने कितना फंड निकाल सकते हैं, निकालने परपेचुटी में। फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट, इसका मतलब है यहां से हमने पी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन फॉर्मूला ये लगाना है। ये वैल्यू गिवन है, ये भी गिवन है, ये निकालनी है। क्लियर होगी ना भाई? दूसरा लिखा हुआ है फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट मंथ। अब फॉर्मूला ये वाला लगाना है, इंटू 1+RP, या अब आर निकालना है और एक -D के साथ निकालेंगे। फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट 5 years फ्रॉम, कुछ बात समझ आई है? ये क्या बन गया, वेरिएंट क्वेश्चन। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको ऑर्डिनरी परपेचुटी, परपेचुटी ड्यू एंड डेफर्ड की प्रैक्टिस करवा दिया। दोनों की बात जी, बस परपेचुटी के नोट्स उसमें लगे हुए थे मेरा ख्याल है, जो ठीक है ना, उसमें से आपने जाके अब सवाल कर लेने। कल आएंगे तो इंशाल्लाह ताला एक हमने IRR का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है उसको टेकअप करेंगे, लेकिन ये वाले सवाल यहाँ से
और फिर आपने वो जो नोट्स वाले सवाल है उसमें जो परपेचुइटी है, ये वाला आज का आपका होमवर्क है। हाँ एक ही बात है, पीडीएफ में है ना। ओके अच्छा, जो मैंने नोट्स की शक्ल में दिए थे वो नहीं अभी आपके पास परपेचुइटी के हैं कि हैं? उसमें एनविटी है, तीनों एनविटी है, परपेचुइटी नहीं है। मैं वो भी सुबह आपको दे दूंगा, ठीक है ना। उस फॉर्मेट में भी वो जो हमने बनाया हुआ ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसके अंदर परपेचुइटी आपको सुबह दे दूंगा इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।